हेलो चिल्ड्रन, आज हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, डाउन जाना, घटते हुए क्रम में। डी फॉर डाउन मतलब नीचे सीढ़ी उतरना है, असेंडिंग में सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। और हम इसका किस में करने वाले हैं? फ्रैक्शंस के लिए कर रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3, 1/6, 5/9 एंड 7/12 को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमें कोई भी नंबर को प्लस माइनस या कंपेयर करना है, तो हम जो नीचे के डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करते हैं। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हमारे पास ये चार नंबर्स हैं, इनका हम डिनोमिनेटर्स ले लेते हैं। डिनोमिनेटर्स हैं 3, 6, 9 और 12। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। एंड अगेन 2 से करेंगे 1 1 3 एंड 2। तो इसका एलसीएम हो गया 3 × 2 × 3 × 2। एलसीएम आ गया हमारा 36। So we convert each of one of the given fractions into an equivalent fractions with denominator 36. अब 2/3 है, तो अब इसका हमें नीचे जो denominator 3 है उसे हमें बनाना है 36. तो हम 36 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 12. हमें 12 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर से करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, क्योंकि हमें हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम नंबर से करते हैं हमेशा। अब 1/6 है तो 1/6 को भी हम 6 को डिवाइड करते हैं 36 से, तो क्या आता है? 6. तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। इसी तरीके से हम तीनों बाकी सारे को भी हम कर देंगे। 5/9 लिया तो 5/9 में भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अगेन 7/12 में भी सेम चीज होगी, 12 को डिवाइड करेंगे 36 से, हमारा आंसर आया 3, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सभी के डिनोमिनेटर्स हमने 36 बना लिए हैं। अब नॉर्मल इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लेंगे। न्यूमरेटर जो सबसे छोटा है वो पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था। तो ये जो 1/6 वाला हमारा नंबर है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर हमारा नंबर आएगा 5/9 वाला, क्योंकि 6 के बाद 20, 21 और 24, 21 आ जाएगा थर्ड नंबर पे और 24 आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। हम इसको लिख के देख लेते हैं क्या होगा। 6/36 लेस देन 20/36, फिर अगेन लेस देन 21/36, लेस देन 24/36। अब ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे, हम उसे लिख लेंगे। यह आ जाएगा 1/6 लेस देन 5/9, लेस देन 7/12 एंड लेस देन 2/3। तो देखिए कितना इजी था ये। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमने असेंडिंग करा था, इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। इसमें भी सेम करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर्स से देख के हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो हमने 5, 10, 15, 30 ले लिया है, हम उसका एलसीएम लेंगे। 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 2 5, 3 एंड 5 6। अब उसको 2 से कर लेंगे 1 3, और ये आ जाएगा। अब हम 3 से कर लेंगे इसको 1 एंड 1। तो ये एलसीएम क्या हो गया इसका? 5 × 2 × 3, 5 2 10 एंड 10 × 3 is 30। तो अब हमें जो नंबर्स दिए हैं उनका सबका डिनोमिनेटर्स हमें क्या बनाना है? 30 बनाना है। तो अब सबके डिनोमिनेटर्स को हम 30 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4/5 है, 30 को डिवाइड किया 5 से तो हमें क्या आया? 6। तो 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें दोनों में कर देंगे। अब हमने 7/10 लिया, 7/10 में
हमने डिवाइड किया 10 को 30 से, तो हमें आंसर आया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। अगेन इसमें डिनोमिनेटर 15 है, 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2, तो हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 वाला 30 है और इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो यू जस्ट हैव टू राइट 1, तो इसमें आ जाएगा 6 4 24 अपॉन 30, अगेन 7 3 21 अपॉन 30, 8 16 अपॉन 30 एंड 17 अपॉन 30, सो यू गॉट ऑल द डिनोमिनेटर्स सेम। अब उसको डिसेंडिंग हो या असेंडिंग, इट्स वेरी इजी। अब आपको इसमें डिसेंडिंग करना था, मतलब डाउन डिक्रीजिंग स्टेप्स नीचे उतरना है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है 24, फिर सबसे सेकेंड नंबर 21, फिर उसके बाद 17 और फिर उसके बाद 16, सो वी राइट इट लाइक दिस, 24/30 इज ग्रेटर देन 21/30, इट इज ग्रेटर देन 17/30, इट इज ग्रेटर देन 16/30। नाउ वी विल राइट द ओरिजिनल नंबर्स, 4/5 इज ग्रेटर देन 7/10, इज ग्रेटर देन 17/30 एंड ग्रेटर देन 8/15। सो वी विल समराइज, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है और न्यूमरेटर्स के देखते हुए, न्यूमरेटर्स को देखते हुए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।